खबर रोहतास जिले के करगहर से, जहां करगहर थाना चौक पर किसान महासंघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा पराली जलाने को लेकर किसानों पर किए गए प्राथमिकी के विरोध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया है। इस पुतला दहन कार्यक्रम का अगुवाई किसान महासंघ के संस्थापक रमाशंकर सरकार के द्वारा किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा तुगलती फरमान निकाला गया है, बिना सुविधा दिए पराली जलाने वाले किसानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। सिर्फ छोटे किसानों को अधिकारी टारगेट कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि कई बड़े किसान जैसे विधायक, पूर्व विधायक, ये भी खेती करते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने सीएम का पुतला दहन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में किसान महासंघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दहन किया है, थोड़ा तेज, थोड़ा सा तेज बोलिए। पराली जो है, पराली जलाने से ज्यादा प्रदूषण है, मात्र 3% प्रदूषण है, लेकिन फिर भी यह सरकार जो है किसानों को परेशान कर रही है। किसानों के पराली जलाने के नाम पर उस पर FIR करके उसे सारी सुविधाओं से वंचित किया जाता है। इसलिए आज हम लोग आज आंदोलन शुरू कर रहे हैं और यह आंदोलन पूरे बिहार में तेज होगा। और अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर सरकार किसानों को परेशान करेगी, तो यह आंदोलन जो है पूरे देश में शुरू होगा। अब हम लोग मानते हैं कि पराली सबने जलाया है, लेकिन पराली जलाने से प्रदूषण नहीं है, और प्रदूषण जो है शहरों में है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में है, क्योंकि सरकार की सारी मशीनरी वहाँ है, तो सबसे प्रदूषण तो ज़्यादा वो फैलाते हैं लोग, और उसके उनका खमेजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, हम लोग मैंने क्या करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो यह बताना चाहते हैं सरकार को, और सरकार को समझना भी चाहिए, किसान भी इस बात को समझ रहे हैं कि किसान अन्नदाता ही नहीं है, किसान करदाता भी है, मतदाता भी है। हम सरकार को पलटना भी जानते हैं, उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं, और किसान अब जागरूक हो रहे हैं कि हमारे पैसे पर, हमारे वोट पर जीत कर जाने वाले लोग हम ही को लूट रहे हैं, तो हम इनका जवाब कैसे देंगे। इस पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उनको उखाड़ कर फेंकेंगे और छोड़ देंगे इनका जवाब। इसलिए यह आवश्यक है, और पुनः मैं यह कहना चाहता हूँ बिहार सरकार के, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि अपना तुगलकी फरमान वापस लें। अगर वापस नहीं लेंगे तो तत्काल हम लोग आगे इस आंदोलन को और उग्र करें। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामाशंकर सरकार, संस्थापक किसान महासंघ बिहार। यहाँ पे आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्या क्या मैटर है? आज नीतीश कुमार जी का फरमान आया है, तुगलकी फरमान है कि किसान पराली जला रहे हैं। किसान जो पराली जला रहे हैं उनको चिन्हित करके हर पंचायत में उस पर FIR करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद किसान की सारी सुविधाओं से वंचित करना चाहते हैं। हम सभी किसान कहना चाहते हैं कि पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, सभी के लोग पराली जलाते हैं, उनकी सारी सुविधाएं क्यों नहीं खत्म की जाती है, उन पर FIR क्यों नहीं किया जाता है, उनकी जो सारी सुविधाएं फ्री मिलती है किसानों को क्यों नहीं दिया जाता है। आज हमारे किसान पराली लेकर कहाँ जाएंगे? सरकार इसका कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, किसान पराली जलाने के लिए एकदम मजबूर है। अगर पंजाब की सरकार अपने किसानों को 1000, और पंजाब की सरकार मांग करती है दिल्ली केंद्र सरकार से कि आप 1500 दीजिए और 1000 हम देते हैं, 2500 रुपये देते हैं, और किसानों को 2500 रुपये दे करके उसकी पराली को हम एक कहीं ठिकाना लगवा सकते हैं। किसका पुतला जला है आप लोग? आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। ये आज करगहर में आगाज हुआ है, पूरे बिहार में आंदोलन चलेगा पराली जलाने को लेकर के। अगर नीतीश कुमार किसानों को पराली जलाने पर केस वापस नहीं लिए, उसकी सारी सुविधाएं बहाल नहीं किए, तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, जमकर होगा। अब की बार सड़क तोड़ आंदोलन होगा, सड़क पर कोई दिखाई नहीं देगा तो सिर्फ किसान ही दिखाई देगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार पटेल हुआ, ग्राम सारो से। मैं किसान महासंघ कोचस प्रखंड।